am Ravindra Kumar Vera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about Western Rees, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law. And we have also applied Kirchhoff's laws to obtain the balanced condition of Western Rees. KCL क्या बोल रहा था? KCL बोल रहा था कि net amount of current entering at the junction is equal to zero. KVL बोल रहा था net potential difference across any closed loop is zero. तो हमने KCL KVL देखा था, उससे कैसे अप्लाई करते हैं वेस्टर्न ब्रिज को, वहां से कैसे बैलेंस कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो भी हमने दिखा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज। यहाँ पे वेस्टर्न ब्रिज का एप्लीकेशन सीखेंगे। वेस्टर्न ब्रिज का एप्लीकेशन क्या आता है ना, मीटर ब्रिज आता है। क्या आता है? मीटर ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वेस्टर्न ब्रिज का एप्लीकेशन से बनाया गया है। वेस्टर्न ब्रिज क्या होता है, पहले देखो, यहाँ पे छोटा सा एक चीज करता हूं मैं। क्या यही मेरा वेस्टर्न ब्रिज होता है? ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी, मान के चलो कि ये रेजिस्टेंस पी, ये रेजिस्टेंस क्यू और ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस एस, और इससे मैंने यहाँ पे एक बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ मैंने ज्वाइन किया है। इससे मैंने एक बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ ज्वाइन किया हूं। करंट मेरा क्या ऐसे चल रहा है, करंट मेरा क्या ऐसे चल रहा है। चलो, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी है, इनके बीच में यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है। ये मेरा वेस्टर्न ब्रिज है। व्हेन द वेस्टर्न ब्रिज इज बैलेंस, तो मेरा क्या आता है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, यही मेरा आता है वेस्टर्न ब्रिज। क्या मेरा वेस्टर्न ब्रिज का कॉन्सेप्ट यही है? क्या मेरा वेस्टर्न ब्रिज का कॉन्सेप्ट यही है? व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड देन P by Q equal to R by S. इसी concept, इसी applications को लेके मैंने क्या बनाया, मीटर ब्रिज बनाया। देखो मीटर ब्रिज का क्या है ना, इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। क्यों हम यूज कर रहे हैं, टू फाइंड द value of, to find the value of unknown resistance, to find the value of unknown resistance, आया समझ में? To find the value of unknown resistance, आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ यार ना, चलो यहाँ पे मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सॉरी ऐसे नहीं होगा, सॉरी मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हम क्या लेते हैं, एक वन मीटर लॉन्ग, कितना, वन मीटर लॉन्ग एक वायर लेते हैं, वन मीटर लॉन्ग मांगानीन का वायर लेते हैं जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो। मांगानीन वायर लेते हैं जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब देखो यार, सर मैं पहले क्या किया, एक यहां से यहां तक कोई वायर ले लिया, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, एग्जैक्टली डिटो ये डायग्राम को देख के मैं ये डायग्राम बनाऊंगा, एग्जैक्टली डिटो ये डायग्राम को देख के मैं ये डायग्राम बनाऊंगा, वन, हाँ जी नहीं, तो वन मीटर लॉन्ग मांगानीन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, हाँ जी नहीं। अब चलो, इसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई एल शेप का ऐसे कॉपर स्ट्रिप ले लिया। क्या मैंने ले लिया, एल शेप का कॉपर स्ट्रिप। क्या मैंने लिया, एल शेप का कॉपर स्ट्रिप मैंने लिया, एल शेप का कॉपर स्ट्रिप मैंने लिया। आया समझ में कि नहीं, आया समझ में ना। चलो, कहां कहां पे लिया, ए पे लिया और यहां पे बी पे लिया। आया समझ में, कहां पे लिया, ए पॉइंट पे लिया और बी पॉइंट पे भी ले लिया। ये हो गया दो ब्रांच, ए और बी हो गया, और ये ओआर है तो उनके बीच का रेजिस्टेंस भी होगा। अब ये देखेंगे कैसे रेजिस्टेंस वहां पे हम लिखते हैं, वो दिखेंगे बाद में दिखेंगे। और मैंने क्या किया, ये पॉइंट को L दे दिया, ये पॉइंट को N दे दिया, ये पॉइंट को L, ये पॉइंट को N दे दिया।
अब इन दोनों के बीच में और एक मैंने कॉपर स्ट्रिप रख लिया, ये भी एक कॉपर स्ट्रिप है, इन दोनों के बीच में कॉपर स्ट्रिप रखा। क्यों कॉपर स्ट्रिप रखा? क्योंकि यहाँ पे दो गैप क्रिएट होंगे, और ये पॉइंट को मैंने के पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट को मैंने जी पॉइंट दे दिया। क्या पॉइंट दे दिया? जी पॉइंट। दिखाई दे रहा है ना? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। क्या पॉइंट दे दिया मैंने? जी पॉइंट दे दिया। आया समझ में कि नहीं? अच्छा अब क्या होता, अच्छा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये पॉइंट के, ये पॉइंट जी। अब ये बेटा कॉपर स्ट्रिप हो गया, छोड़ दो यार, अच्छी तरह से देते हैं। ये एल स्टेप का हो गया, हाँ कि नहीं? एल शेप का यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, के पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, जी पॉइंट। आया समझ में? चलो ये दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट को मैंने एन लिया था, ये पॉइंट को मैंने, अच्छा ये पॉइंट को क्या, कोई भी ले लो, एम एन ले लो, इसको एम, इसको एम ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो इस तरह का, दोनों गैप्स मेरे क्रिएट हो गए हैं। हाँ अच्छा ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इन्हीं दोनों गैप्स में, ये एल शेप का कॉपर स्ट्रिप, ये एल शेप का कॉपर स्ट्रिप, ये भी एक कॉपर स्ट्रिप। अब इन्हीं दोनों गैप में, एन और के में, मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। क्या मैंने लगाया? एक रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या मैंने कनेक्ट किया? ये एन और के पॉइंट में मैंने क्या कनेक्ट किया? मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया। आरबी का मतलब क्या है? आरबी का मतलब है रेजिस्टेंस बॉक्स। प्रैक्टिकली ये कैसा होगा ना, प्रैक्टिकली इसमें बहुत सारे, एक बॉक्स होगा जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, हमको किसी दो में चूज करना पड़ता। मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक इंटरनल वो प्रैक्टिकली वो रेजिस्टेंस, तुम जब ये प्रैक्टिकली करोगे मीटर ब्रिज, वो रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक बॉक्स होगा, उसमें 50 ओम, 500 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, 10000 ओम, इस तरह का बहुत सारा रेजिस्टेंस, मैंने रेजिस्टेंस होगा, और उन दोनों को एक्टिवेट कैसे किया जाता। अब यहाँ पे एक नॉट होगा, यहाँ पे एक नॉट होगा, इन दोनों के बीच में एक वायर लगा लो, इन दोनों के बीच में एक वायर लगा लो, तो वो हो जाएगा क्या तुमको देगा यहाँ पे सर्किट में, जितना तुमको रिक्वायर है, जो तुम चूज करोगे 50 या 500 ओम, उन दोनों के बीच में 50 ओम तो दोनों का नॉट्स होगा, 50 ओम के बीच में एक क्या करोगे, वायर रख लोगे। प्रैक्टिकल करोगे तो समझ जाओगे, तो इसको रख लो, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बॉक्स मिल जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं। आ गया अब जी और एम में। अच्छा ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है मेरा, ये अच्छा मैं दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस बॉक्स ये आर के बराबर होगा। डायग्राम में रेजिस्टेंस बॉक्स किसके बराबर होगा? आर के बराबर। हमने यहाँ पे एस को अननोन रेजिस्टेंस लिया है। क्या लिया हूं? अननोन रेजिस्टेंस। तो कहां पे पुट करूं ना, जी और एम के बीच में एक ओआर मैंने कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस इज, व्हिच इज द अननोन रेजिस्टेंस, एंड आई हैव टू फाइंड आउट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट। आया समझ में? ये था मेरा कनेक्शन, ये मेरा पॉइंट ए था, ये मेरा पॉइंट बी था, ये मेरा पॉइंट बी था। क्या सब लोगों को दिखाई दे रहा है? ये ब्लू कलर में इसलिए किया हूं क्योंकि आई हैव टू फाइंड आउट दिस वन, आई हैव टू फाइंड आउट दिस वन। आया समझ में? चलो आगे बढ़ो। अब ए और सॉरी यहां पे कोई पॉइंट, देखो इधर, यहां पे मैंने कोई पॉइंट लिया, कहां पे? यहां पे। क्यों लिया? क्योंकि आर और एस और एक रजिस्टर को कॉमन से कनेक्टेड है, तो यहां पे मैंने एक पॉइंट एस ले लिया। एस लेने से यहां से मैंने किया एक जॉकी लिया। जॉकी क्या होता है? ये जॉकी, S is the unknown resistance, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं? S is the unknown resistance, और मैंने क्या किया? मैंने एक जॉकी लिया। मैंने क्या किया? एक जॉकी लिया। जॉकी बोलते हैं उसको, और या फिर उसको पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंटर बोलते हैं। इसका काम क्या है? अच्छा देखो पहले दिखाता हूं, एक जॉकी को मैंने क्या किया ना, एक यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला मान लो कि आर फाइव है, अच्छा मान लो आर है, अच्छा आर नहीं, इसको मान लो, अच्छा ये आर फाइव है मान लो, कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दो, ये आर फाइव नेगलेक्ट हो जाता है क्वेश्चन ब्रिज में, इसी रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू आर फाइव है, और ये किसको कनेक्ट हुआ है? एक गैल्वेनोमीटर को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? एक गैल्वेनोमीटर लगाया।
क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंटर होता है, एक पॉइंटर होता है, और इसने यहां पे जाके जॉकी जे इसको कनेक्टेड हुए, ये पॉइंट को कनेक्ट हुआ है, आया समझ में। ये पॉइंट को अभी वाई दे दो, ये पॉइंट का नाम अभी वाई दे दो। अब देखो डायग्राम में जॉकी का काम क्या है, जॉकी मतलब एक पॉइंटर की तरह, एक पेन पेन या पेंसिल की तरह होगा, जिसका टॉप पॉइंट एक शार्प पॉइंट होगा, और उसको हम क्या करते हैं, ए से बीच के बीच हम उसको घुमाएंगे, मतलब घुमाएंगे मतलब ऐसे, ये वायर है, मान लीजिए ये वायर है, इसको ये पॉइंटर उसको कनेक्ट हो गए, यहां से इसे स्लाइड करते हुए चलेंगे, इसे स्लाइड करते हुए चलेंगे। अगर ये ए से बी जो लेंथ है, मान के चलो इसका लेंथ क्या है, अच्छा क्या मैं लिखा हूं, अच्छा 1 मीटर लॉन्ग लिखा हूं, तो इसको मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं ए से बी को लेंथ को। अच्छा क्या हुआ है अभी ना, अभी क्या हुआ है, यहां से जब यहां तक मैं घुमा हूं, मतलब स्लाइड करूं जॉकी को, क्या होता है, जॉकी क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में हमको देखना चाहिए कि डिफ्लेक्शन होता है या नहीं, गैल्वेनोमीटर में क्या देखना चाहिए, डिफ्लेक्शन होता है या नहीं। जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहां पे हम क्या दिख रहे थे, देयर इज नो करंट इनसाइड द ब्रांच सिटी, कब बैलेंस होगा वेस्टर्न ब्रिज, व्हेन देयर इज नो करंट अलोंग ब्रांच सिटी, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बार-बार गैल्वेनोमीटर में जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तब हम बोल सकते हैं कि वेस्टर्न ब्रिज इज बैलेंस। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट में मीटर ब्रिज पे अप्लाई करना, देखो डायग्राम मेरा पूरा सेम ही आ गया, ए पॉइंट बी पॉइंट बी पॉइंट, अच्छा ये एस पॉइंट नहीं, इसको सी पॉइंट मान लो, इसको सी पॉइंट मान लो, इसको डी पॉइंट मान लो, देखो सी से डी आ गया, देखो सी से डी, ये डी पॉइंट को आर और एस कनेक्टेड है, अच्छा यहाँ पे डी पॉइंट मान लो, ये वाला डी पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट, डी पॉइंट को आर और एस कनेक्टेड है, अरे हाँ यहाँ ना डी पॉइंट को आर और एस कनेक्टेड है, सी पॉइंट को ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सी पॉइंट को ये दोनों रेजिस्टेंस, ये भी यहाँ पे कैसे रेजिस्टेंस मिलेगा, एक वायर है, एक वायर है, वायर में कोई रेजिस्टेंस होता है, अरे हाँ यहाँ ना वायर में रेजिस्टेंस होता है, और वहां पे मैंने जॉकी ऐसे पुट किया, तो ये दोनों पार्ट हो गए, यहां से एक पार्ट हो गया, ऐसे समझ में, ए से सी एक पार्ट हो गया, सी से बी एक पार्ट हो गया, और ए से सी, सी से बी दो पार्ट हो गए, तो इसका ए से सी पार्ट का रेजिस्टेंस को मैं पी बोलता हूं, सी से बी पार्ट का रेजिस्टेंस को मैं क्यू बोला, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स का को मैं आर बोला, तो आर बी मतलब आर हो गया, एस को छोड़ दो, रेजिस्टेंस ऑफ ए सी हो गया मेरा पी, रेजिस्टेंस ऑफ बी सी हो गया मेरा क्यू, आया समझ में, अरे हाँ या ना, रेजिस्टेंस ऑफ ए सी हो गया मेरा पी, ऐसा समझ में, रेजिस्टेंस ऑफ एसी हो गया मेरा पी, रेजिस्टेंस ऑफ बीसी हो गया मेरा क्यू। अब आते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ, जॉकी का कॉन्सेप्ट, जॉकी हम यहां से यहां तक मूव करेंगे, जब जॉकी मेरा मान के चलो यहां पे कोई डिफ्लेक्शन ऐसा होगा, अगर डिफ्लेक्शन, अगर जॉकी यहां पे मेरा बैलेंस पॉइंट इस पॉइंट से, देखो इधर मैं दिखाता हूं, ये वाला मेरा वेयर है, अगर मैंने यहां से ए यहां पे बी, अगर मेरा यहां पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो जॉकी का डिफ्लेक्शन इस तरह होगा, जॉकी का डिफ्लेक्शन इस तरह का होगा, मतलब कोई करंट मेरा फ्लो कर रहा है, पॉइंटर का या गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस तरह का होगा, अगर मेरा पॉइंटर यहां पे है, तो मेरा पॉइंटर यहां पे है, तो डिफ्लेक्शन मेरा इस तरह का होगा, आया समझ में, पॉइंटर इधर है तो डिफ्लेक्शन मेरा इस तरफ होगा, पॉइंटर इधर है तो डिफ्लेक्शन मेरा इस तरफ होगा। तो नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, नो डिफ्लेक्शन मतलब है ये ऐसे ही रहेगा, क्या होगा, ये कब तक काम करेगा, हम इसको कब तक स्लाइड करेंगे, टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन, जब तक ये डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाता, जब तक ये डिफ्लेक्शन क्या हो जाता, जीरो नहीं हो जाता, मतलब स्ट्रेट ही आएगा, तब तक हमको ये पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा, जब ये डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, जब ये इसका डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, जब इसका डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, सो ये क्या हो जाएगा कि देयर इज नो करेंट थ्रू द ब्रांच सी से डी, देयर इज नो करेंट थ्रू द ब्रांच सी से डी, एंड द मीटर ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड, एंड द मीटर ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड, आया समझ में क्या इस लो ये बात, क्या मेरी बात समझ में आया, अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है, जॉकी और पॉइंटर का क्या सोच रहे हो ना, क्या काम हो सकता है, हमको
ए जॉकी इज कनेक्टेड सच दैट इट विल मूव और इट विल स्लाइड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट विल स्लाइड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गवर्नमेंट. जब तक इसमें डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाता तब तक इसमें ये क्या होगा, मूव करते रहेगा. जब ये जीरो हो जाएगा दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये जीरो होगा दैट पॉइंट इज द बैलेंस्ड पॉइंट और नॉल पॉइंट. इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड पॉइंट बोलते हैं, बैलेंस्ड पॉइंट बोलते हैं या फिर इसको नॉल पॉइंट बोलते हैं. बैलेंस्ड पॉइंट या फिर उसको नॉल पॉइंट बोलते हैं. आया समझ में ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ, आया समझ में ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ, अरे हाँ या ना, कंप्लीट. अब आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ए से बी एक बैटरी लगाया हूं मैं, लगा लो यार, ए से बी एक बैटरी लगा लो, यहाँ पे कोई की भी लगा लो, ये की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्विच है, ये स्विच है और ये बैटरी, उसका ईएमएफ ई ले लो, यहां से करंट आई चल रहा है. ये है डायग्राम और ये पार्ट है उसका कंस्ट्रक्शन. And it has a more similarity, and it is the application of this Western bridge. Exactly same connection circuit diagram, but utna hi same hai. Aur balance conditions mera yahi hona chahiye. P by Q equal to R by S. Aaya samajh mein? Screen ko pause karke total kar lo. Ye wala bhi likh lo. Construction properly likhna. Main isko mitane ja raha hu. Iska constructions kya hai? Na meter bridge consists of a 1 meter long manganese wire of uniform cross sections. आया समझ में? एंड टू एल सेव कॉपर स्ट्रिप, टू एल सेव कॉपर स्ट्रिप इज फिक्स्ड एट एज शोन इन द फिगर. अनदर कॉपर स्ट्रिप इज फिक्स्ड इन बिटवीन टू एल स्ट्रिप्स एंड इट इज देयर इज अ गैप क्रिएटेड, देयर इज अ गैप क्रिएटेड दैट इज एनके एंड एमजी, टू गैप्स आर क्रिएटेड एंड इन बिटवीन दीज टू गैप्स ए रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड इन बिटवीन द गैप एनके एंड अननोन रेजिस्टेंस एस इज क्रिएटेड इन बिटवीन द गैप एमजी. समझ में? एंड नाउ ए जॉकी और ए पॉइंटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बी एंड सी फॉलोड बाय ए गैल्वेनोमीटर एंड ए रेजिस्टेंस बॉक्स एज शोन इन द फिगर. द पॉइंटर और द जॉकी इज स्लाइडेड अलोंग द वेयर ए बी टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. देयर इज टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इन गैल्वेनो मीटर, टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. आया समझ में कि नहीं? गैल्वेनोमीटर में जब तक डिफ्लेक्शन नहीं होता हम वहां तक दिखते. व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर देयर इज नो करंट अलोंग द ब्रांच सीबी एंड द मीटर ब्रिज इज सेड टू बी एट बैलेंस्ड कंडीशंस. मीटर ब्रिज इज सेड टू बी एट बैलेंस्ड कंडीशंस. पर चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मिटाने जा रहा हूं मैं. जब ये मीटर ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? जब मीटर ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं? P by Q equal to R by S at balanced condition. At balanced condition. P by Q equal to R by S. अच्छा अब देखो, रेजिस्टेंस अक्रॉस AC इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस AC इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए. मान के चलो कि A से C तक का लेंथ, A से C तक का लेंथ मेरा L है और यहां से लेंथ मेरा 100 माइनस L है, 100 माइनस L है. आया समझ में? आया चलो, 100 माइनस एल है तो अगर 100 माइनस एल हुआ तो रेजिस्टेंस अक्रॉस बीसी, रेजिस्टेंस अक्रॉस बीसी क्या होगा ना, रो इनटू 100 माइनस एल बाई ए. दोनों में रो सेम आएगा क्योंकि एक ही मटेरियल है और मैंने लिया है इसको यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए. तो यहां से मैं इसको पी लिख सकता हूँ, यहां से मैं इसको क्यू लिख सकता हूँ. यहां से इतना पी, यहां से इतना क्यू मैंने लिखा था और दोनों पी बाई क्यू करो तो क्या आएगा, रो इंटू एल बाई ए डिवाइडेड बाई रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए. क्या यही आएगा, रो से रो कैंसल, ए से कैंसल, एल बाई 100 माइनस एल
तो पी बाई क्यू, आया समझ में कि नहीं? अब ये पी बाई क्यू का वैल्यूज क्या है, आर बाई एस, तो एल बाई 100 माइनस एल। मुझे क्या करना है, मुझे अननोन रेजिस्टेंस एस फाइंड आउट करना है, तो एस इक्वल टू क्या हो गया ना 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर, एस इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर, आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत है, आया समझ में? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अननोन रेजिस्टेंस एस विच कैन बी कैलकुलेटेड बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ एल एंड आर, which can be calculated by knowing the value of L and R, आया समझ में? अच्छा, और एक बात यहाँ पे लिखो, किसे calculate करेंगे? ये जो है, मान के चलो ये एक वायर है और इसी वायर का लेंथ हमने L लिया है, let let L dash be the length of unknown wire of resistance S. L dash be the length of the unknown wire of resistance S. क्या मैं S को रो डैश, S का वैल्यूज क्या लिख सकता हूँ? रो डैश, क्योंकि ये अलग मेटेरियल का है, रो डैश इंटू एल डैश बाई ए डैश लिख सकता हूँ। और यहां से मुझे S पता है, यहां से मुझे रो डैश कैलकुलेट करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? रो डैश कैलकुलेट करना। अच्छा, स्क्रीन को पॉज करके इतना लिख लो, मैं थोड़ा ऊपर से मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं इसको निकालने जा रहा हूं। देखो क्या होता है, क्या मेरा S इक्वल टू, क्या मैंने फॉर्मूला लिखा रो डैश इंटू एल डैश बाई ए डैश, तो मेरा रो डैश इक्वल टू क्या बनेगा, S इंटू ए डैश बाई एल डैश, रो डैश इक्वल टू एस के जगह मैंने लिखा 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर, ए डैश के जगह मैंने लिखा पाई इंटू आर स्क्वायर। अब ये जो एल डैश जिसका लेंथ लिया हूं वो स्क्वायर का, उसका रेडियस मैंने मान लिया कि स्मॉल आर है, उसका रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल आर है, पाई आर स्क्वायर बाई एल डैश, क्या मेरा यही आंसर होगा? क्या मेरा यही आंसर होगा? अरे हाँ या ना, 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर पाई आर स्क्वायर बाई एल डैश, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल्स करते हैं इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ resistance x, find the value of resistance x in the circuit shown in the figure if there is no current, there is no current flowing through 5 ohm resistor। डायग्राम मेरा ऐसे दिया गया है, ये है मेरा x, ये है मेरा 18, यहां है 2, यहां है मेरा 6 और यहां है मेरा 5 ohm, 2 ohm, 6 ohm, 18 ohm, और यहां पे कोई बैटरी 6 volt का लगा है, कोई बैटरी मेरा 6 volt का लगा हुआ है, आया समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ। चलो अब क्या करते हैं, कैसे करेंगे? अच्छा सर, अंदर 5 ohm में करंट नहीं जा रहे, एंड दिस इज द कॉमन रेजिस्टर, इसका इसी करंट इसे भी से कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है, तो मतलब डायरेक्ट ये मीटर ब्रिज या वेस्टर्न ब्रिज कुछ भी ले सकते हो, इसका ये बैलेंस कंडीशन रहे, मैं बोल सकता हूँ मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड, यहाँ पे मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्यों मैं बोला? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट तुमको दिया है, नो करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ohm रेजिस्टर, 5 ohm में कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब है ये वाला बैलेंस है। तो क्या मैं इसको x by 18 equal to 2 by 6 लिख सकता हूं? तो x equal to 2 into 18 by 6, तो x equal to क्या आएगा मेरा 6 ohm, दिस इज द आंसर।
दिस इज द आंसर। चलो जल्दी जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? पी क्यू आर एंड एस आर फोर रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विथ विच एस मस्ट बी शंटेड इन ऑर्डर दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज मेरा बैलेंस है, आया समझ में? ब्रिज बैलेंस है मतलब क्या है? पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। मगर यहाँ पे क्या दिया गया है कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विथ विच एस मस्ट बी शंटेड। शंट मतलब क्या है? शंट का मतलब है कोई पैरेलल कनेक्शन, ये वाला थोड़ा याद रखना। शंट का मतलब क्या है? कोई पैरेलल कनेक्शन। S must be centered मतलब शंट किसके साथ? S is centered। S is मान के चलो कोई मेरा अननोन रेजिस्टेंस है, S is centered यहाँ पे R dash में मान सकता हूँ। S is centered to R dash, तो इसका मतलब है S is parallel to R dash। S is parallel to R dash। Find out the resistance which is S must be centered in order that bridge is balanced। S मेरा centered है, आया समझ में? तो यहां पे मैं लिखूंगा कि मेरा जो यहाँ पे एस होगा, ब्रिज जब बैलेंस होगा, ब्रिज जब बैलेंस होगा, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, सोच जरा यहां से, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, ये कंडीशन पे ब्रिज मेरा बैलेंस नहीं है, कब ब्रांच बैलेंस होगा? कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विद विच एस मस्ट बी सॉन्टेड इन द ब्रिज इज बैलेंस। जब एस सॉन्टेड होगा तो क्या मैं एस डैश लिख सकता हूं? S dash equal to S parallel to R dash। अब मुझे S dash निकालना है, सोच जरा, वही वाला मेरा important है, यहाँ पे important नहीं है। तो यहाँ पे मैं निकालू, देख इधर, यहाँ से S dash equal to मैं लिख सकता हूँ Q into R by P। S dash मेरा क्या है ना? S parallel to R dash, S parallel to R dash। अब ये मुझे R dash ही मेरा question mark में है, ये इतना resistance में S के साथ संट करूंगा तो मुझे बैलेंस कंडीशंस मिलेगा, मुझे बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज मिलेगा। Q लिया, Q का वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे लिख लो, P मेरा 2 ओम है, यहाँ पे दिया गया है, Q भी मेरा 2 ओम है, R भी मेरा 2 ओम है, S मेरा 3 ओम है। Q 2, R भी 2, P मेरा भी 2 है। चलो ये दोनों पैरेलल हुआ तो क्या मैं S इंटू आर बाई एस प्लस आर डैश लिख सकता हूं? यहां से 2 कैंसिल हुआ, 2 आया। S का वैल्यू है 3, आर डैश मुझे निकालना है, S का वैल्यू 3 प्लस आर डैश इक्वल टू 2, आया समझ में? तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 आर डैश इक्वल टू 2 into 3 6 प्लस 2 आर डैश। तो 3 आर डैश माइनस 2 आर डैश क्या हो गया? आर डैश इक्वल टू 6 ओम। क्या मेरा आंसर 6 ओम आएगा? क्या मेरा आंसर 6 ओम आएगा? तो 6 ओम का रेजिस्टर मुझे एस के साथ संट करने से ब्रिज मेरा बैलेंस हो जाएगा, ब्रिज मेरा बैलेंस हो जाएगा। चलो स्क्रीन को पॉज कर लो, लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास का। देखो क्या दिया गया है, इन ए वेस्टर्न ब्रिज अरेंजमेंट द रेशियो आर्म्स पी एंड क्यू आर नियरली इक्वल। रेशियो आर्म्स पी एंड क्यू आर नियरली इक्वल दिया गया है। द ब्रिज इज बैलेंस व्हेन आर इक्वल टू 500 ओम। मतलब बैलेंस मतलब क्या होगा? पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होगा। पी बाई क्यू, आर का वैल्यू है 505 बाई एस, ये वाला इक्वेशन वन हुआ, मान के चलो इसे मैं केस वन मैंने मान लिया। ऑन इंटरचेंजिंग पी एंड क्यू, ऑन इंटरचेंजिंग पी एंड क्यू को इंटरचेंज किया, मतलब कैसे कर दिया मैंने, क्यू बाई पी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आर फॉर बैलेंसिंग इज 505। मतलब पी और क्यू को मैंने इंटरचेंज किया है, आर और एस को नहीं। मतलब इसका डायग्राम, पहले वाला डायग्राम क्या मेरा ऐसे होगा, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, क्या मेरा ऐसे होगा, अरे हाँ, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। और मैंने पी और क्यू को इंटरचेंज किया, इसको Q बना दिया, इसको P बना दिया, आया समझ में? और यहाँ यहाँ गैल्वेनोमीटर, आया समझ में? और ये R, ये S, तो Q by P equal to क्या बन जाएगा, R by S, Q by P equal to R by S। तो यहां से Q by P equal to R मेरा बनेगा, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 500, सॉरी यहाँ पे 500, यहाँ पे 505 into S equation 2, ये मेरा केस 2 के लिए है, ये मेरा केस 2 के लिए है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर लो,
पी बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी 500 बाई एस इंटू 505 बाई एस। एस मुझे निकालना क्योंकि ये पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला 1 आ जाएगा, एस का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 500 इंटू 505, एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 500 इंटू 505 ओम। कैलकुलेट करोगे जो आएगा यहाँ पे लिख लोगे, और एस का वैल्यू लेके यहाँ पे डालो, पी वाई क्यू इक्वल टू 500 बाई एस। तो पी बाई क्यू मेरा आएगा 500 बाई एस का वैल्यू 500 इंटू 505 का रूट, दैट इज इक्वल टू पी बाई क्यू इक्वल टू 500 बाई 505 का रूट। आया समझ में, यही वाला आंसर होगा, यही वाला आंसर होगा। आया समझ में कि नहीं, ना इसमें कोई दिक्कत। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। वाह, तो आज के क्लास के लिए यहाँ तक था, अगर कोई यहाँ पे डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशंस करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में, एक अच्छा चीज है, उसका एप्लीकेशंस भी दिखेंगे। वाह, परहैप्स दैट मे बी द लास्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियोमीटर लास्ट पार्ट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वाह, थैंक यू।